9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान की 3 विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने सिपाह सलारों को मोर्चे पर लगा दिया है। यह उपचुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इसी के चलते गहलोत ने अपने मंत्रियों को उपचुनाव की कमान सौंप रखी है। वहीं बीजेपी के लिए भी उपचुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी के मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह से उपचुनाव में गहलोत के मंत्री बनाम मोदी के मंत्री की राजनीतिक अग्नि परीक्षा होगी। आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें 2 सीटें कांग्रेस तो 1 सीट बीजेपी के पास रही है। राजसमंद सीट बीजेपी के विधायक किरण माहेश्वरी के निधन से रिक्त हुई है, जबकि सहाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी और सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को उतारा है, तो बीजेपी ने पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतन लाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने सहानुभूति का दाव खेलने के साथ साथ सीएम गहलोत ने अपने मंत्री रघु शर्मा को जिम्मेदारी सौंप रखी है। रघु शर्मा सहाड़ा में लगातार डेरा जमाए हुए हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट को कांग्रेस से जीतने के लिए मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को मोर्चे पर रखा गया है। राजसमंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने तनसुख बोहरा को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने दिवंगत विधायक किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी को उतारा है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, जिसे बचाए रखने की जिम्मेदारी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया और सांसद दिया कुमारी को सौंप रखी है। वहीं बीजेपी से ये सीट छीनने के लिए कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजाना और खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के लिए भी ये सीट महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस सीट पर कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है। भंवरलाल मेघवाल अशोक गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री हेमाराम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रखने के लिए उच्च शिक्षा और प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को सुजानगढ़ में लगातार रखा है। ये सीट भी कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके चलते भाटी ने भी पूरी तरह से चुनावी किलेबंदी कर रखी है। वहीं यही सीट बीजेपी जीतने के लिए अपने सिपा सलारों को लगा रखी है, जिसमें मोदी कैबिनेट में मंत्री अर्जुन मेघवाल और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को लगाया गया है। राठौर का ये गृह जिले है और पूरे जिले में उनका दबदबा है। साथ ही स्थानीय सांसद राहुल कसवा को भी भूमिका सौंपी गई है। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।